नमस्कार, मैं तनु शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह देश में मुस्लिम शिक्षा का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र माना जाता है। अब समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की जरूरत को महसूस करते हुए 1877 में एक स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। यही कॉलेज आगे जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। यह आजादी के बाद देश के 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था। आज के दिन सन 1689 में ब्रिटिश संसद ने प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी थी। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक शाखा है। इसका उदय 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन के फलस्वरूप हुआ। यह धर्म रोमन कैथोलिक धर्म का घोर विरोधी है। इसकी प्रमुख मान्यता यह है कि धर्मशास्त्र बाइबल ही उद्घाटित सत्य का असली स्रोत है, न कि परंपराएं आदि। आज के दिन सन 2001 में सबसे कम उम्र का व्यक्ति तेंबा तेश्री शेरपा एवरेस्ट पर पहुंचा था। मात्र 15 वर्ष की आयु में नेपाल का तेंबा सेरी शेरपा ने एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया था। वह दुनिया भर में सबसे छोटी आयु का व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुआ था। आज के दिन सन 1819 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। महारानी विक्टोरिया 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राज सत्ता को सौंप दिया गया। उसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्घोषणा में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे, वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। 22 जनवरी 1901 में उनका निधन हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 24 मई दिन सोमवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है मन का सुख। मेष, मन के सुख के लिए भाग्य 44%। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी। अचानक धन लाभ होने के योग हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। पठन पाठन से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। वृष, मन के सुख के लिए भाग्य 75%। रोग की वजह से अनावश्यक खर्च होगा। आपका समय उत्तम चल रहा है। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वाणी व आचरण पर संयम बरतें। झगड़े के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, मन के सुख के लिए भाग्य 41%। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग सफेद व नारंगी तथा निषेध रंग हरा व काही। कर्क, मन के सुख के लिए भाग्य 83%। बेरोजगारों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। कठिन परिश्रम में से सोच में सकारात्मकता आएगी। सुखद समय चल रहा है। इच्छाएं पूरी होंगी। कार्य क्षेत्र में लापरवाही न बरतें। हानि के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व पीला। सिंह, मन के सुख के लिए भाग्य 52%। कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग है। मनोरंजन और भोग विलासी प्रवृत्तियों में खर्च होगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय उत्तम है। संतान के संबंध में शुभ समाचारों की प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी व सफेद तथा निषेध रंग जामुनी व सिलेटी। कन्या, मन के सुख के लिए भाग्य 53%। आय व्यय की तरह उपलब्धियों का संतुलन बना रहेगा। मनोवांछित सफलता मिलेगी। खूब मेहनत करें, अच्छा फल प्राप्त होगा। कारोबार में अपेक्षानुरूप सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग धानी नारंगी तथा निषेध रंग बसंती व जामुनी। तुला, मन के सुख के लिए भाग्य 76%। आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती हैं। कोई भी अनैतिक कार्य करने से पहले परिणाम ध्यान में रखें। करियर के लिए समय अनुकूल चल रहा है। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। समस्या उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सभी प्रकार के सफेद रंग तथा निषेध रंग काला व सिलेटी। वृश्चिक, मन के सुख के लिए भाग्य 50%। नौकरी व व्यवसायिक दृष्टि से समय अनुकूल है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। घर बाहर सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में लापरवाही न बरतें। हानि के योग हैं।
शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेद रंग काला व जामुनी। धनु, मन के सुख के लिए भाग्य 77%। अपने करीबी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। वित्तीय स्थिति का ख्याल रखने की जरूरत है तथा फिजूल खर्चों पर पाबंदी लगा सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग को सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में नवीन योजनाएं बनने के योग हैं। शुभ रंग पीला बसंती मस्टर्ड तथा निषेध रंग हरा धानी व काही। मकर, मन के सुख के लिए भाग्य 53%। मन कुछ खिन्न रह सकता है परंतु परेशान ना हो, परिणाम प्राप्त पर मन हर्षित होगा। भविष्य को सुधारने के लिए आज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। समय आपके अनुकूल है। आपके कार्यों में योगदान को मान्यता मिलेगी। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्ति के योग है। शुभ रंग सिलेटी सफेद तथा निषेद रंग गुलाबी व जामुनी। कुंभ, मन के सुख के लिए भाग्य 54%। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। किसी को अच्छा ना लगे ऐसा बोलने से बचें। आपकी छवि खराब हो सकती है। व्यर्थ के तनाव से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग सिलेटी तथा निषेध रंग काही। मीन, मन के सुख के लिए भाग्य 76%। कार्य में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। रोजगार में वृद्धि हो सकती है। अनुकूल एवं फलप्रद रहने के योग हैं। व्यर्थ के तनाव से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग पीला नारंगी तथा निषेध रंग नीला व काला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 7:08 से प्रातः 8:53 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।